यार कुर्सी ले आ गया हाँ जी क्या कौन क्या नहीं वो दूसरी क्लास एक आई फॉर की क्लास नीचे होती है कॉस की क्लास ऊपर होती है तो ये सेटअप लगाने में टाइम लग जाता है तो हमने कहा यार इधर ही क्लास कर दो सारी वो तो उसके बाद इंग्लिश की क्लास होती है वो दो तीन बैच मर्ज हुए पड़े उसमें बच्चे ज्यादा हैं तो इसलिए अच्छा जी आज हमने पढ़ना है फैक्ट्री साइकिल
ठीक है जी, तो नए जज्बे से आज एक दोबारा एक टॉपिक करते हैं। हाँ जी, किसके कर देते हैं, कर देते हैं हौसला। तो अच्छा जी, इधर पकड़ा जरा माइक, माइक पकड़ा इधर उधर आ जा। अच्छा जी, अच्छा जी, आज हमें देखना है कि फैक्ट्री के क्या सूरत हाल होती है। फैक्ट्री के ओवरऑल हमने डायग्राम देखनी है। ये है जी रॉ मटेरियल स्टोर, ये है प्रोडक्शन हॉल, और ये लिखा है तो ध्यान में देखो, अगर अल्लाह अखां इस्तेमाल करने सिखा दे मजा आ रहे। ओए होए होए, ऊपर वाले फ्लोर में चला गया। अच्छा हाँ जी, तो वो सवाल आप नहीं करना है, मैंने नहीं करना। हाँ, उसकी मैं ये कर सकता हूँ आपको कि वीडियो बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा कि वो कैसे सॉल्व होना है। कोको वाला, हाँ। अच्छा जी, फैक्ट्री में मेन जो बड़े बड़े हाल होते हैं वो कितने हाल होते हैं? तीन, रॉ मटेरियल स्टोर, प्रोडक्शन हाल और फिनिश गुड स्टोर। फर्ज करो बच्चों, ये फैक्ट्री लेस बनाती है, क्या बनाती है? लेस। तो रॉ मटेरियल क्या होगा लेस बनाने के लिए? आलू। ये बाहर सप्लायर से क्या चीज बाय किया करेंगे? आलू बाय किया करेंगे, ऐसी है। और वो आलू जितना भी आएगा कहां पे स्टोर होता जाएगा? रॉ मटेरियल स्टोर में स्टोर होता जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्शन हॉल है, यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, ये लोग यहाँ पे रॉ मटेरियल स्टोर में बैठे हुए बंदे को रिक्वेस्ट करेंगे कि मजीद आलू दे, तो वो फिर मजीद आलू इश्यू करेगा। क्या ये बात समझ आई? अच्छा, इसके ऊपर प्रोडक्शन हॉल में लेस बनाने के लिए क्या सिर्फ आलू काफी, और क्या क्या चाहिए? आवाज नहीं आई। क्या प्रोडक्शन हॉल में सिर्फ आलू से लेस बन जाएंगे? नहीं, लेबर चाहिए। और क्या चाहिए? बिजली चाहिए, ठीक है जी, फ्यूल चाहिए, ठीक है जी, सारे खर्चे चाहिए। उसको हम कहते हैं ओवरहेड्स। क्या कहते हैं? ओवरहेड्स। अच्छा, तो फैक्ट्री में टोटल तीन कमरे नहीं होते, रॉ मटेरियल स्टोर है, प्रोडक्शन हॉल है, फिनिश गुड्स है। यहाँ पे कहीं पे कोई मस्जिद भी होती होगी, ऐसी है। यहाँ पे कोई कंटीन भी होती होगी, क्या ये बात समझ आ गई? यहाँ पे कोई टेक्निकल स्टोर, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का स्टोर भी होता होगा। यहाँ पे कोई डॉक्टर साहब भी बैठे होंगे, इंजीनियर साहब भी बैठे होंगे, कोई स्टोर रूम भी होगा। स्टोरी समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये सारे डिपार्टमेंट्स होंगे यहाँ पे। अच्छा जी,
जब प्रोडक्शन हाल में आलू भी आ गए, लेबर भी काम कर रही है, ओवरहेड्स भी, बिजली का बिल भी आ रहा है, फ्यूल भी, जनरेटर वगैरह भी चल रहे हैं, प्रोडक्शन हो रही है, तो जब चीजें मैन्युफैक्चर हो जाएंगी तो वो कहाँ चली जाएंगी? फिनिश गुड स्टोर में चली जाएंगी। और फिनिश गुड स्टोर से जब चीजें तैयार हो जाएंगी तो कहाँ चली जाएंगी? आउटसाइड मार्केट में चली जाएंगी, कस्टमर के पास चली। क्या यहाँ तक की बात समझ आ गई? अच्छा जी, आज हमने बेसिकली ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में, याद होगा अगर आप, रॉ मटेरियल, उस पर लेबर लगता है, उसके ओवरहेड लगता है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वर्किंग प्रोसेस का ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आती है। याद आ रहा कुछ कुछ? तो सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट की फॉर्म में पढ़ा हुआ है। किस फॉर्म में पढ़ा हुआ है? प्लस माइनस की फॉर्म में। आज हमने पढ़ना है डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में। अब जरा बच्चों सोच समय के जवाब देना। नंबर वन, अगर आप रॉ मटेरियल को बाय करें, एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, हमने आलू बाय करने हैं, तो क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? रॉ मटेरियल फर्ज करो हमने 1,00,000 रुपए के बाय किए, आलू हमने 1,00,000 रुपए के बाय किए, तो रॉ मटेरियल को डेबिट करेंगे और पेबल को, या हम कह सकते हैं क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे। क्या ये एंट्री समझ आ रही? ये हमने रॉ मटेरियल बाय किया और किस कमरे में, किस स्टोर में आ गया? रॉ मटेरियल स्टोर में आ गया। क्या जरूरी है जितने आलू बाय किए होंगे उतने ही प्रोडक्शन हाल में इशू हो जाएंगे? जरूरी नहीं। हो सकता है 90,000 के हो जाए, हो सकता है 80,000 के हो जाए, ऐसी वो प्रोडक्शन वालों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है कितने उनको मटेरियल चाहिए हो। अब अगला पॉइंट सुनिएगा, इश्यूएंस ऑफ रॉ मटेरियल हमने रॉ मटेरियल को इशू किया, प्रोडक्शन हाल से रिक्वेस्ट आई कि जनाब मटेरियल चाहिए, इशू कर दिया गया, तो बच्चों अब रॉ मटेरियल डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? सोचो जरा, रॉ मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन हाल, जहां पे प्रोडक्शन हो रही है बच्चों, इस हाल को हम कहेंगे ये वर्क इन प्रोसेस अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? वर्क इन प्रोसेस। कैसे बच्चों? जब आलू आते हैं उसके ऊपर 1% भी काम नहीं होता तो वो 0% स्टेज पे पड़े होते हैं। किस स्टेज पे पड़े होते हैं? 0% स्टेज पे। 1% से लेके 99% तक जो काम होता है वो कहां पे काम होता है? वो प्रोडक्शन हाल में काम होता है। और जैसे ही कोई आलू तैयार होके पैकेट में पैक होके फिनिश गुड स्टोर में चले जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो 100% मैन्युफैक्चर हो चुके। तो बच्चों अगर कोई चीज 100% मैन्युफैक्चर है वो कहां पे नजर आएगी आप? फिनिश गुड स्टोर में। और अगर कोई चीज 0% स्टेज पे है तो 0 और 100 के दरमियान अगर किसी स्टेज पे है तो उसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। तो इस वजह से प्रोडक्शन हाल के अंदर जो अकाउंट बनेगा उसका नाम क्या होगा? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। तो जब हम मटेरियल इशू करेंगे तो बच्चों मटेरियल तो कम हो जाएगा लेकिन कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? लेकिन सिर्फ आलू से लेस नहीं बन, हमें लेबर चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? लेबर। तीसरा काम हम ये करेंगे, लेबर वालों से बात करेंगे। बात क्या करेंगे? पूरी यूनियन से बात करेंगे कि हमें इतने लाख बंदा या इतने हजार बंदा चाहिए पूरे साल के लिए। वो कहेंगे ठीक है, इतना कॉन्ट्रैक्ट कर लो हमारे साथ, लेबर आपको मिल जाएगी। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा मैं एंट्री पास कर लेंगे, पेरोल अकाउंट डेबिट और अक्रूड पेरोल क्रेडिट। क्या पहले दिन हम लेबर को पेमेंट कर देंगे? पहले दिन पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन क्या पेमेंट
करनी है, लाइबिलिटी बुक कर लेंगे, ठीक है जी। 2 लाख रुपए की लेबर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा ट्रेड यूनियन के साथ, तो पेरोल अकाउंट डेबिट और अक्रूड पेरोल क्रेडिट, ये किस दिन एंट्री करेंगे? जब हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद चौथा काम हमने ये करना है कि लेबर को ऑर्डर देना है, इश्यूएंस ऑफ लेबर, लेबर को ऑर्डर देना है कि भाईजान अपने अपने डिपार्टमेंट में जाके काम। तो कुछ लेबर प्रोडक्शन हाल में चली जाएगी, लेकिन क्या सारी लेबर प्रोडक्शन हाल में चली जाएगी? क्या डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, कैंटीन वाले, मस्जिद वाले और स्टोर रूम वाले लोग प्रोडक्शन हाल के अंदर बैठे हुए? वो प्रोडक्शन हाल के बाहर है। तो जो लेबर प्रोडक्शन हाल के अंदर लग रही है उसको कहते हैं डायरेक्ट लेबर, लेकिन जो लेबर प्रोडक्शन हाल के बाहर लग रही है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। क्या कैंटीन में लोग जो काम कर रहे होंगे क्या वो सैलरी नहीं लेंगे? क्या वो जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं क्या वो सैलरी नहीं ले रहे? वो जो इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं प्लांट की मेंटेनेंस के लिए क्या वो सैलरी नहीं लेंगे? वो मौलवी साहब जो मस्जिद में बैठे हुए हैं वो सैलरी नहीं लेंगे, ठीक है जी। तो ये सारे लोग सैलरी ले रहे हैं लेकिन इनमें से कोई भी आलू नहीं काट रहा, क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ जी, हैं? अभी हौसला तो कर ले। अगला पॉइंट क्या लिखा हमने? इश्यूएंस ऑफ लेबर। तो जो लेबर जहां पे जिस डिपार्टमेंट में जाके काम करेगी उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग होगी। बच्चों फर्ज करें इस 2 लाख में से 1,60,000 डायरेक्ट लेबर है। कितनी लेबर है? डायरेक्ट लेबर का से क्या मुराद होता है? ये वो लेबर है जो डायरेक्ट लेज की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होगी, और बाकी 40,000 जो लेबर है वो इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट से मुराद क्या है? ये प्रोडक्शन हाल के अलावा बाकी सारी जगह पे इस्तेमाल होगी। तो जो लेबर प्रोडक्शन हाल में जाके काम करेगी उसमें क्या डेबिट करेंगे? वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे, और जो प्रोडक्शन हाल के अलावा उसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? एफओएच में रिकॉर्ड करेंगे। क्या ये बात समझ आ गई? टोटल लेबर हमने कॉन्ट्रैक्ट इतना किया था, ये पेरोल यहां से खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको अभी तक हाथ नहीं लगाया हमने, इसको हाथ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अभी पेमेंट नहीं की, जब पेमेंट करेंगे तो इसको खत्म करें। क्या ये बात समझ आ गई? कंट्रोल, सी मींस कंट्रोल अकाउंट। क्या बच्चों बिजली, फ्यूल, गैस, वाटर वगैरह भी चाहिए होगा प्रोडक्शन के लिए? तो आपको बताया जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर के हिसाब से हमारा बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, फ्यूल का बिल आया 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर कितनी है सवाल में? 1,60,000। इसका ले 150% आंसर क्या आएगा? और बच्चों ये वाला एफओएच हमने किसको चार्ज किया? प्रोडक्शन को चार्ज किया। तो जब बच्चों प्रोडक्शन को चार्ज करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? और एफओएच अप्लाइड क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या ये बात समझ आ गई? हाँ जी, देखो प्रोडक्शन हाल में मटेरियल गया तो वर्किंग प्रोसेस को क्या किया, डेबिट या क्रेडिट? प्रोडक्शन हाल में लेबर गया तो वर्किंग प्रोसेस को क्या किया, डेबिट किया कि क्रेडिट किया? देखते जाओ अपने रजिस्टरों में, देखो शाबाश, गौर से देखो।
प्रोडक्शन हाल में लेबर गया तो क्या किया, तो प्रोडक्शन हाल में जब बिजली का बिल जाएगा तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? और से देखो और बोलो तो सही, डेबिट करेंगे। और क्लियर है? छठा पॉइंट है, क्योंकि वर्किंग प्रोसेस को डेबिट कर रहे हैं, एंट्री पूरी करो, वर्किंग प्रोसेस डेबिट हो रहा है। समझ आ रही बात कि नहीं समझ आ रही? तो दूसरी क्या होगी? हाँ छोड़ दे, ए डेबिट हो रही है, वो क्रेडिट हो रही, वो सवाल एंड ओवर। समझ आएगी क्या? एक चीज एंट्री में अगर एक बात समझ आ जाए तो दूसरी ऑटोमेटिकली समझ आए चाहे ना आए। क्लियर है? एक पे फोकस कर लो। अब आपने ये सवाल मुझसे पूछा, उससे पहले तो आपको ये पूछना चाहिए था सर ये क्या है, नहीं पूछा? चलो मुझे बता दो ये पेरोल क्रेडिट क्यों हो रहा है? चलो इससे पीछे आ जाओ, ये डेबिट क्यों हो रहा है? पता नहीं, इतने सवाल छोड़ के तुम्हें FOH याद आया? A means applied, अच्छा भाई हौसला, हौसला करो, हौसला करो, ये चीजें समझ आ जाएगी। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा अब सुने बच्चों, प्रोडक्शन हाल में टोटल कितना खर्चा जा चुका है क्या मुझे बता सकते हो? रॉ मटेरियल प्रोडक्शन हाल में जा चुका है, लेबर लग चुका है, बिजली का बिल लग चुका है, टोटल कितना बिल आ चुका है? यानी 4,80,000 का खर्चा जा चुका है, ऐसी है। अब जरा सुनो, गुड्स कॉस्टिंग 4,50,000 वर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स स्टोर। हाँ जी, इसकी एंट्री बता। फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। हाँ जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट क्यों हुआ? प्रोडक्शन हाल से सोचो, गुड्स कहां से कहां जा रही है? प्रोडक्शन हाल से निकल के फिनिश गुड स्टोर में जा रही है। क्या यहां तक की बात समझ आ गई? पॉइंट नंबर 7, गुड्स कॉस्टिंग 410,000 were sold to customers या sold on credit for rupees 6,00,000 रुपया। इसकी एंट्री बताएं। शाबाश, किस अमाउंट से? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 410 से और फिनिश गुड्स 6,00,000 से, 4,10,000 से। हाँ जी, ये मुझे बताइए डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है? फिनिश गुड्स क्यों क्रेडिट हो रही है? वहां से निकल रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल क्यों डेबिट हो रही है? अच्छा आगे बताएं मुझे, अगली एंट्री
कैश डेबिट होगा, अंग्रेजी इतनी कमजोर है। हाँ जी, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट होगी, क्या ये बात समझ आई? दो एंट्री क्यों हो रही है बच्चों? कॉस्ट की एंट्री अलग होती है, सेल की एंट्री अलग होती है। याद आ रहा कुछ कुछ परपेचुअल सिस्टम? क्लियर है बच्चों? अब जरा अकाउंट बनाते हैं बच्चों। मटेरियल हमने कितना बाय किया था? हाँ जी, 1,00,000 रुपए का। यहाँ पे क्रेडिटर आ रहेगा। अच्छा, मटेरियल हमने इश्यू कितना किया था? कहाँ गया था वो मटेरियल? यहां से 80,000 निकलेगा और यहां पे डेबिट साइड पे आ जाएगा। वर्क इन प्रोसेस के साथ नाम क्या लिखेंगे? मटेरियल। और यहां पे क्या नाम लिखेंगे? वर्क इन प्रोसेस। क्या ये अकाउंट सबको समझ आ रहा? अच्छा जी, बच्चों उसके बाद अगला अकाउंट कौन सा बनता है जी? पेरोल अकाउंट। सबसे पहले एंट्री जरा गौर से देखिएगा, क्या हमने पेरोल हायर किया कितना? 2,00,000 रुपए का। तो 2,00,000 रुपए से पेरोल क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। और इसके साथ नाम क्या रहेगा? अक्रूड पेरोल। क्या ये 2,00,000 का 2,00,000 पेरोल इश्यू हुआ कि नहीं हुआ? 2,00,000 रुपए का पेरोल इश्यू हुआ, लेकिन दो हिस्सों में हुआ। याद आ रहा कुछ कुछ? एक डायरेक्ट लेबर था, वो किधर गया? वर्किंग प्रोसेस में। और एक इनडायरेक्ट लेबर था, वो किधर गया? एफओएच में गया। क्या ये बात समझ आ गई? ये सी का मतलब होता है कंट्रोल अकाउंट। ये आपके एक्चुअल एफओएच होते हैं, हकीकत में जो खर्चा आता है। 40,000 इधर आ जाएगा और 1,60,000 ऊपर चला जाएगा। इसके साथ क्या नाम लिखेंगे? लेबर। और इसके साथ क्या नाम लिखेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। ऐसी है ये, कौन सी लेबर है? डायरेक्ट लेबर। हाँ जी, हाँ जी, क्या ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा जी, एफओएच अप्लाइड। अब तीसरी चीज क्या आ गई बच्चों? एफओएच अप्लाइड। एफओएच अप्लाइड हमने हायर कहीं से नहीं किया, बस हमने इशू किया है। कितना इशू किया है? 2,40,000। वर्किंग प्रोसेस डेबिट हो रहा है और एफओएच क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे 2,40,000 लिखेंगे, सोच लो, और साथ वर्ड क्या आएगा? एफओएच अप्लाइड। तो डेफिनेटली फिर एफओएच अप्लाइड क्या होगा? क्रेडिट होगा, सोच लो।
और क्लियर है क्या? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये एंट्री का और से देखो, एंट्री नंबर 5 और एफएच क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रही। तो वर्क इन प्रोसेस में देखो जरा, मैंने डेबिट साइड पे लिखा है, क्रेडिट साइड पे है? तो एफएच और क्रेडिट में किस साइड पे आएगा? क्लियर जी? अच्छा अब बच्चों जरा सोच समय के जवाब देना, प्रोडक्शन हाल में टोटल मेरा कितना खर्चा लग चुका है? जी 480,000 रुपए का खर्चा लग चुका है, ऐसी है? तो क्रेडिट साइड पे भी 480 आना चाहिए, ऐसी है? बच्चों कितने गुड्स, कितने रुपए की गुड्स तैयार हो गई थी? गौर से देखो, 480,000 की। फिर से अक्खा खोलो, शाबाश अक्खा खोलो। 450,000 की गुड्स तैयार हो चुकी थी, तो 450,000 की गुड्स यहां से निकलेंगी के आएंगी, कहां जाएंगी? फिनिश गुड्स में जाएंगी। इसके साथ क्या नाम आएगा? और इसके साथ क्या नाम आएगा? वर्क इन प्रोसेस। क्लियर हो गया? अच्छा तो बच्चों क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं वर्क इन प्रोसेस का कोई कैरी डाउन बैलेंस आ रहा है? कितना आ रहा है? ये 30 क्या चीज है? लॉस है। सोच लो, सोच लो, ये क्लोजिंग स्टॉक है किस चीज का? वर्क इन प्रोसेस। क्या ये बात सबको समझ आई? नहीं समझ आई। अच्छा जी 450,000 की गुड्स तैयार हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ जरा गौर से देखो। चार लाख 10,000 की गुड्स सेल हो गई, तो यहां से निकलेंगी और कहां चली जाएंगी? अगला अकाउंट कौन सा बनेगा? यहां पे नाम क्या आएगा? फिनिश गुड्स। और यहां पे क्या नाम आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल। क्या बच्चों मेरे क्लोजिंग फिनिश गुड्स में भी कुछ बच गया है? सोचे सोचे क्या आंसर आएगा? 40,000। ये कौन सा स्टॉक है? ये फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है। और बच्चों क्या रॉ मेटेरियल स्टोर में भी देखो कुछ पड़ा हुआ है? क्या पड़ा हुआ है? 20,000, ऐसी है? सोच लो। नहीं समझ रहे बच्चों, अगर मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊं, बैलेंस शीट, तो उसमें मैं इन्वेंटरी लिखूंगा। याद करो क्लोजिंग इन्वेंटरी आती है कि नहीं आती? तो मेरी इस फैक्ट्री में क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी है? कौन कौन सी? क्या मेरी इस फिनिश इस क्लोजिंग इन्वेंटरी में रॉ मटेरियल अलहदा से आएगा 20,000 का? वर्क इन प्रोसेस अलहदा से आएगा 30,000 का? और फिनिश गुड्स अलहदा से आएगा 40,000 का? क्या मेरी टोटल इन्वेंटरी 90,000 की शो होगी बैलेंस शीट में? क्या ये बात समझ आ गई सबको?
क्लियर हो गया जी बच्चों, हमारा मेन फोकस, बाकी ये सवाल तो हम कभी दोबारा भी कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, हमारा मेन फोकस है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में कहां कहां से क्या चीजें आ रही हैं? मटेरियल आ रहा है, मटेरियल कहां से आ रहा है? मटेरियल अकाउंट से। और क्या आ रहा है? लेबर कहां से आ रहा है? पेरोल से। और एफओएच कहां से आ रहा है? आवाज नहीं आई। और 240,000 कहां से आ रहा है? खोते हो कहां से आ रहा है? अन्य लेबर से। दो रुपए हाल थोड़ा। लेबर से कितना आ रहा है? 160। मैं 240 पूछ रहा हूं। बच्चों ये एफओएच अप्लाइड से आ रहा है तो यह क्यों नहीं बोल दे? लेबर से आ रहा है, मटेरियल से आ रहा है, पता नहीं कहां से आ रहा है। अच्छा जी, वर्क इन प्रोसेस से कौन सी चीज कहां निकल के चली गई? वर्क इन प्रोसेस से जब भी कोई अमाउंट निकलेगी कहां जाएगी? फिनिश गुड्स में जाएगी। क्या ये बात समझ आई? और फिनिश गुड्स में जो अमाउंट आएगी कहां से आएगी? और फिनिश गुड्स से कोई चीज निकलेगी कहां जाएगी? क्या ये बात समझ आ रही? ये कॉस्ट फ्लो आपने याद रखना है कि कौन सी चीज कहां से आ रही है और कहां जा रही है। क्या ये बात याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी? जो हमारा मेन फोकस ये है वर्किंग प्रोसेस। क्यों? हमारे टॉपिक का नाम क्या है? प्रोसेस कॉस्ट। क्या नाम है? तो हमने प्रोसेस अकाउंट को समझना है। आज के बाद जब भी हम प्रोडक्शन हाल की बात करेंगे तो किस अकाउंट की बात करेंगे? वर्क इन प्रोसेस की बात करेंगे। क्या ये बात याद रह जाएगी? नहीं याद रह जाएगी। और बोलो तो सही, सो रहे हैं कसम से सारे, अपनी नींद रहे थे आगे पूरी कर रहे हैं। और कहना सोना है, चलो कॉलेज चलते हैं, एसी लगा होगा, आराम में जाके सोवाओगे। हाँ जी, हाँ जी, जब वो चार्ज होता किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाके। मटेरियल क्रेडिट कब होता है? हाँ, तो ये भी यूज हो रहा है। कहाँ पे यूज हो रहा है? ठीक है, अच्छा जी। अब बच्चों ध्यान से, हमने प्रैक्टिस करनी है आज प्रोसेस अकाउंट की। अन्यवा प्रोसेस अकाउंट की प्रैक्टिस करनी है आज बच्चों। आपको पता है प्रोसेस अकाउंट में तीन चीजें आती हैं हमेशा। कौन सी तीन चीजें आती हैं? क्या ये कई साल पहले पढ़ा था? वेरी गुड, दो रुपये हाल पढ़ा। क्या ये आठवीं की क्लासेस में पढ़ा था? हालात चेक कर। फर्ज करो बच्चों, एक कंपनी है, उसने 1000 यूनिट पे काम शुरू किया और 40,000 रुपया उसका खर्चा आया मटेरियल पे, 30,000 रुपया खर्चा आया उसका लेबर पे, और बाकी 30,000 खर्चा आया उसका ओवरहेड पे। टोटल खर्चा कितना आया? 1,00,000 रुपया खर्चा आया टोटल। जरा ध्यान नवे नजर आए? वेरी गुड। बच्चों इसने फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किए। आपको पता ना प्रोसेस अकाउंट से जो निकलता है वो कहां जाता है? फिनिश गुड्स में। बच्चों इसने फिनिश गुड्स में सारे के सारे यूनिट ट्रांसफर कर दिए, एक भी नहीं छोड़ा। तो बच्चों फिनिश गुड स्टोर में कितनी कॉस्ट ट्रांसफर होगी? सारी की सारी कॉस्ट ट्रांसफर हो जाएगी कि नहीं? क्यों बोला? क्योंकि
अकाउंट टैली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर 1 लाख रुपया आया तो 1 लाख रुपया ही जाना चाहिए। इस सवाल में मैंने कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा, हालांकि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो बच्चों क्या मुझे बता सकते हो कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी? सोच करता मैं। क्या मैं आपसे पूछूं अगर कि कॉस्ट पर यूनिट क्या है? तो बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड 100 रुपया पर यूनिट आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सबको हजम हो जाती है कि नहीं होती? नहीं हुई बात हजम, नहीं हुई तो चेक कर लो। क्लियर है सबको? बच्चों अगला सिनेरियो सुनो। अब आ गया नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस है 10%। तो बच्चों नॉर्मल लॉस जब 10% होगा तो कितने यूनिट जाया हो जाएंगे? 10,000। दो रुपए यार, हैं 1,000 यूनिट पे काम शुरू किया, 10,000 डूब गए, कैसे कर लेते हो? तो बच्चों कितने यूनिट अगले डिपार्टमेंट में जाएंगे? 900। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई। और कितने यूनिट जाया हो गए? 100 जाया हो गए। तो फिर 900 ही आगे जाएंगे कि 700 जाएंगे? 900। अब सोच समय के जवाब देना कि नॉर्मल लॉस को कोई कॉस्ट एलोकेट करते हैं हम? नॉर्मल लॉस को कोई कॉस्ट एलोकेट नहीं होती। तो सारे की सारी 1 लाख रुपए जो हमारा लगा है तो सारे का सारा किसको जाएगा? आवाज नहीं आई। वो सारे का सारा खर्चा 1 लाख रुपए 900 यूनिट की चार्ज होना। तो बच्चों क्या हमारी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? पहले क्या आ रही थी पर यूनिट? 100 रुपया। अब पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी? आवाज नहीं आई। 1 लाख को किस पे डिवाइड करेंगे बच्चों? 111.1। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई। तो बच्चों 900 को 111.11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख ही आंसर आएगा। क्लियर है? नहीं समझ नहीं आई 100%। अब समझ आई है कि कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है अगर डिनोमिनेटर छोटा हो, और वो ऑटोमेटिकली देख लो फिनिश गुड्स को कॉस्ट चार्ज हो जाती है जब 900 को 111.11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख ऊपर ही आ जाएगा। तो क्या नॉर्मल लॉस की अलहदा से कोई कॉस्ट नजर आएगी आपको? नॉर्मल लॉस की अलहदा से कोई कॉस्ट नजर नहीं आएगी। क्या ये बात समझ आई? आगे चलते हैं बच्चों। सिनेरियो नंबर 3। नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था कितने परसेंट? 10%। कितना नुकसान हुआ? 100 यूनिट का। तो कितने यूनिट आगे जाएंगे? 900 यूनिट आगे जाएंगे। ऐसे ही अब वो कहता है कि रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स इज रुपीज
फाइव पर यूनिट। हाँ जी अब बताओ बच्चों, पहले क्या अजम्पशन थी कि नॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी वैल्यू नहीं है। अब वो सवाल में बता रहा है कि भाई नॉर्मल लॉस का जो एक यूनिट है ₹5 का सेल हो सकता है मार्केट। हाँ जी बच्चों अब जवाब देना सोच समझ के, कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? 100,000 में कुछ जमा होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, क्या होगा? माइनस होगा। कितना? ये 500 कहां से आया? रिकवरी वैल्यू। क्लियर है? अब डिवाइड किससे करेंगे? हाँ जी 900 से डिवाइड करेंगे। नहीं समझ आया? पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी? 100 चेक कर लो। तो बच्चों 900 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हंड्रेड से। शाबाश शाबाश शाबाश। फिनिश गुड स्टोर में कितनी कॉस्ट जाएगी? आंसर बताएं। 994 डबल नाइन। ये कह रहे हो? हाँ जी क्लियर सबको। अब बच्चों डेबिट साइड पे तो लॉक आ रहा है, क्रेडिट साइड पे भी लॉक ही आना चाहिए। तो बच्चों टोटल तो नहीं टैली हो रहा? हाँ जी शाबाश शाबाश शाबाश। आवाज नहीं आई क्या? अब नॉर्मल लॉस की भी कोई वैल्यू नजर आएगी? सोच रहे नहीं समझ आएगा क्या बच्चों? नॉर्मल लॉस का भी कोई अकाउंट बनना चाहिए? तो बोलो तो सही। नॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स हैं? 100। कितनी वैल्यू है? 500। ये कहां से निकला? प्रोसेस अकाउंट से निकला। बच्चों इसकी क्या एंट्री पास हो रही है जरा कोई मुझे बता सकता है? क्या डेबिट हो रहा है? गौर से देखो। शाबाश। नॉर्मल लॉस डेबिट हो रहा है और वर्किंग प्रोसेस, क्या ये सबको नजर आ रहा? फिर बच्चों ये 500 से क्रेडिट भी होगा और यहां पे क्या वर्ड नाम आएगा? सोच लो सोच लो तसल्ली से। हाँ जी ₹10 नाम जिसने सही जवाब दिया है? है? सोचो 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 सोचो। शाबाश। देखो क्या मैं शुरू हो गए ₹10 पीछे दूर फिड़े मुड़ा और खोते हो कैश आएगा। हालात चेक कर। एक मिनट अदर इनकम आएगा? अदर इनकम डेबिट होगी? सोच तो इनकम डेबिट होगी। हाँ तो कैश आएगा क्या अदर इनकम आएगी? सोच बेड़ा गर्क ना करो काउंटिंग का। सर अदर इनकम आएगी तो इसका मतलब तो ये हुआ अदर इनकम डेबिट हो रही है, तो अदर इनकम डेबिट होती है। अब आ समझ आई है? और ये एंट्री समझ आ गई सबको?
ये क्या है? है? कैश की नेचर क्या है? वाह वाह वाह, क्या कैश लायबिलिटी है? हाँ, कैश की नेचर क्या, मुझे खुद बता, मुझे भी नहीं पता क्या कैश एक्सपेंस होता है। कैसे सवाल कर दिया तुमने, कैश की नेचर क्या है? मतलब 100 रुपए का नोट है कि 50 रुपए वाले नोट है? बाबा जी गुस्से में है कि खुशी में बैठे हो? कैश की नेचर क्या है? जरा तसल्ली से, ठंडे दिमाग से ना वॉशरूम में बैठ के सोची कि कैश की नेचर क्या होती है, क्योंकि सही तरह बंदा सोचता उधर ही है। बाकी दुनिया बड़ी तेजी से गुजरी जा रही है। तसल्ली से बंदा अपने फ्यूचर कैरियर के बारे में सोचता है, प्लान करता है कि यार मैंने क्या करना था, मैं क्या कर रहा हूं। मैं सोच रहा था फरारी होगी मेरे पास, अभी तो खजल खुआरी हो रही है नी। कैश की नेचर क्या है? वैसे सीरियस क्वेश्चन है, अदर इनकम कहां से आ गई? अल्लाह के बंदे एंट्री क्या पास हो रही है? कैश डेबिट हो रहा है और नॉर्मल लॉस क्रेडिट हो रहा है, ये सीधी सीधी सी एंट्री समझ नहीं आ रही। क्या ये बात समझ आ गई है? नहीं समझ आई? बच्चों अगला सिनेरियो, फर्ज करो बच्चों नॉर्मल लॉस है 10%, कितना आया 100, लेकिन अगले डिपार्टमेंट में यूनिट गए 850 है, ये क्या हुआ? अब नॉर्मल लॉस भी आ जाएगा बच्चों, क्या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नुकसान हो गया? कितना नुकसान हो गया? 50 यूनिट मजीद जाया हो गए। सोचो तसल्ली से बच्चों, नॉर्मल लॉस था, सोचा हुआ था कितना 100, लेकिन हकीकत में क्या हुआ 150 नुकसान हो गया। कितने यूनिट अगले डिपार्टमेंट में गए? 850। तो बच्चों अभी फिलहाल अज्यूम करो नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस दोनों में से किसी की कोई रिकवरी नहीं है, तो मुझे बताओ जरा क्या आंसर आएगा, पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी? 100,000 को क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, कैसे 900 आया? 900 क्या ये अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू आ रही है कि नॉर्मल लॉस की? तो बच्चों पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाएगी? आवाज नहीं आई, तो बच्चों यहां पे क्या कॉस्ट आएगी? थ्री। अच्छा जी, क्या नॉर्मल लॉस की कोई कॉस्ट आएगी? नहीं, कोई कॉस्ट नहीं आएगी। तो बच्चों नॉर्मल लॉस की फिर कोई कॉस्ट आएगी? कितनी आएगी? क्या बच्चों अभी भी टोटल 100,000 का ही आ रहा है? क्या यहां तक की बात समझ आ गई? बच्चों चलो आज के लिए इतना ही काफी है, कल इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो पढ़ा समझ आ गया? आज का दिन मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया, आपने जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट की रिवीजन करनी है। ऐसा ना हो कि कल को टेस्ट हो तो फिर आप फेल हो जाए, मौका दे रहा हूं, टेस्ट आ जाए। वाह, ऐसा ना हो कि आज ही फेल हो जाए। शाबाश, ट्राई करो, आज पहले टेस्ट दें,
सवाल डेफिनेटली आधा आपसे हो जाएगा आधा नहीं होगा, वो आपने फिर घर जाके ट्राई करना। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई मसला मसाइल को परेशानी, आपका माइक ओपन है। हेलो सर, ये जो आपने 99,500 लिया था ऊपर रुपीस, ये एक दफा फिर से बता दीजिए। 99,500 सर से लिया था, ये कॉस्ट मैंने निकाली थी 110.5, ऐसी है जी सर। 110.5 को मैंने 900 से मल्टीप्लाई किया था। ओके सर, समझ आ गई। ठीक हो गया, और बताएं। ओके सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाजरा, मैं सीवीपी एनालिसिस की रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, और बताएं। हाँ जी, न्यू चैप्टर है, न्यू चैप्टर है, न्यू चैप्टर है।